अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और यहाँ हम लोग जा रहे हैं आभा। जो लोग सऊदी अरब रहते हैं वो तो आभा के बारे में जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते वो मेरे इस व्लॉग के थ्रू आभा के बारे में जान सकते हैं, और आप लोग मेरे साथ आभा का टूर कर सकते हैं। आभा बेसिकली यूँ समझ लें कि सऊदी अरब का मरी है। तो हम लोग जद्दा से निकले हैं आभा की तरफ। जद्दा से आभा का जो रास्ता है वो 8 घंटे का है, और यम्बो से इसका रास्ता 12 घंटे का है। तो बस हम लोग चल रहे हैं आभा की तरफ। हमारा 2 दिन का स्टे है, और वहाँ पे हमने 2-3 पॉइंट्स को कवर करना है। तो चल के देखते हैं आभा की खूबसूरती। टनल यहाँ पे, ये दूसरी टनल है, एक पहले पीछे थी और ये अब दूसरी। और एकदम से जब बाहर निकलते हैं ना, कितना अच्छा लगना होता है। और ये निकले हम बाहर, और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी रेन भी हो रही है। वैसे तो हमारा पाकिस्तान इससे ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पे रहने वालों के लिए ये भी जन्नत से कम नहीं है, और हम भी बेचारे काफी ज्यादा खुश भी हो रहे हैं इसको देख के। अब यहाँ पे ज्यादा करीब दिख रहे हैं ये क्लाउड्स, राइट? वो दिख रहे हैं, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। गाड़ी जो है ना वो इन्हीं बादलों से गुजर रही है। सऊदी अरेबिया वालों, आ जाओ प्लीज, एंजॉय करो। इतना अच्छा लग रहा है, बहुत गर्मी हो रही है सऊदी अरेबिया में, तो आए इधर ठंडी ठंडी जगह में एंजॉय करें इन बादलों को, बारिश को। और यहाँ पे तो कुछ नजर नहीं आ रहा, जीरो विजिबिलिटी है। सारे बादल जो है वो आगे आ चुके हैं गाड़ी के, और नजर कुछ नहीं आ रहा। लोग आभा पहुंच चुके हैं। रास्ते में हमें थोड़ी मुश्किल जरूर हुई थी फॉग की वजह से, लेकिन थोड़ी देर के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया था। यहाँ बहुत मजे की बारिश हो रही है, और बहुत हैवी रेन है। बहुत मजे का मौसम हो रहा है, बहुत बहुत दिनों बाद बारिश देखी है। आई थिंक 1 साल बाद पहले पाकिस्तान में देखी थी, और अब एंजॉय कर रहे हैं इस वेदर को। ओह, सो कूल। और हुरब गाड़ी से बाहर है। हुर बेबी, आपको ज्यादा मजे आ रहे हैं ना? इट्स फन। मेरा दिल कर रहा है कि मैं भी बाहर ही ऐसी ऊपर खड़ी हो जाऊं पूरब की तरह। हाय फन, मैं भी ऐसी खड़ी हो जाऊं, मैं भी ऐसी खड़ी हो जाऊं पूरब के साथ, हो जाती हूं। ट्रैफिक और खड़ी हो जाएगी। ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगी, इसलिए बस सिर्फ वो पूरब ही ठीक है इधर। मम्मा नहीं खड़ी होती है ना। वो ये सामने देखें, केबल कार ये नजर आ रही है।
आज हम लोग रास्ते में फंसे हुए इसलिए कि हमारा होटल जो है ना वो उसकी बुकिंग कैंसिल हो गई और अब हम वेट कर रहे हैं किसी दूसरे होटल का, इसलिए हम उस रास्ते में खूब घूम रहे हैं, बारिश भी एंजॉय कर रहे हैं, मौसम अच्छा है इसलिए गाड़ी में अच्छा लग रहा है घूम के। ये रुकी भी है केवल कार। और ये आभा का होटल है, इसको आते ही यूरोप जो है ना वो पानी के पास खड़ी हो गई है। और ये इसका सिटिंग रूम, और ये इसके बेडरूम्स, इनको हमने सैनिटाइज करवाया है और खुद भी हम लोगों ने किया है, उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। और इसके अलावा हम लोग बेडशीट चेंज करेंगे अपने साथ लेके आए हुए, और ब्लैंकेट भी हम लोग अपने इस्तेमाल करें। ये देखिए सारा मैं स्टफ लेके आई हूँ, ये इसमें ब्लैंकेट है और बेडशीट्स हैं, तो ये सारी मैं चेंज करूँगी और उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे सोएंगे। और ये हम लोग जा रहे हैं हाई सिटी की तरफ, ये एक पॉइंट है जहाँ पे सारा सिटी नज़र आता है ऊपर से, तो चल के देखते हैं कि किस तरह का व्यू नज़र आता है हमें सिटी का। तो इस पॉइंट का नाम है हाई सिटी। तो कितनी देर का डिस्टेंस है हमारे होटल से? थोड़ा सा ही डिस्टेंस है मेरे है ना, हाँ 3 मिनट्स की ड्राइव पे, ज़्यादा दूर भी नहीं है। दिस इज़ द हाई सिटी। और ये पॉइंट बेसिकली सेंटर ऑफ द सिटी है, एक तरफ माउंटेन व्यू है और दूसरी तरफ सारा सिटी का व्यू नजर आता है। और यहाँ जो आसपास है वो सब कैफेटेरिया बने हुए हैं और साथ में रेस्टोरेंट हैं, और दिन के टाइम इसकी ब्यूटी अलग है और रात के टाइम लाइट्स की वजह से ज़्यादा जो है ना वो फैसिनेट कर सकता है आपको ये। और ऊपर की तरफ जाएं तो माउंटेन व्यू शुरू हो जाता है जहाँ से ये सारा व्यू नज़र आएगा। ये देखें आभा का सारा व्यू, यहाँ से ये पूरा आभा नज़र आ रहा है और नीचे जिस रास्ते से हम लोग आए हैं वो रास्ता नज़र आ रहा है। ठीक है, ये रोड्स कितनी छोटी छोटी सी और गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं यहाँ से, इसी रास्ते से हम लोग आए हैं। और ये ऊपर हाइट पे हैं हम लोग इस वक्त, और ये सारा आभा नज़र आ रहा है हमें यहाँ से, ये सारे माउंटेन्स, बहुत खूबसूरत व्यू है। कैसा लग रहा है आके यहाँ पे उसे उष्णा? हाँ पीसफुल लग रहा है और मज़े का मौसम है, ठंडी ठंडी सी हवा, नॉर्मल है, ज़्यादा ठंडी नहीं है, बेरेबल है। You're scared? Don't be scared, बेटे। ये ग्रीन माउंटेन व्यू है, हाँ फुल नज़र आ रहा है। और अब हम लोग
लोग ऊपर का नज़ारा करके नीचे पार्क की तरफ जा रहे हैं, जो बिल्कुल इसके साथ है, बल्कि इसका ही हिस्सा है, जो रात में बहुत खूबसूरत लग रहा था देखने में, तो इसको दोबारा देखने के लिए हम दिन में आए। ये ब्रिज है जिसको क्रॉस करके हमें दूसरी तरफ जाना है जहाँ पे पार्क है। एक तरफ वो हाई सिटी का जो व्यू था और दूसरी तरफ ये, अब हम जाएंगे तो ये पार्क है सामने। चलो चलते जाओ चलते जाओ, ठंडी ठंडी हवा, मज़े मज़े की हवा, जन्नत की हवा चल रही, जन्नत की। Urab nahi jana, she's scared actually. Urab go, Urab ko acha lag raha hai dog, wo dog kiska hai wo dekho, Urab jao usko pakdo, Urab aapne jana, jao touch karke aao us dog ko। सिटिंग है, कहीं भी बैठ सकते हैं, चाहे तो ये मैट रख लें या बेंचेस भी हैं ना, थोड़ी सी बेंचेस भी बैठ सकते हैं, आराम से बैठ के यहाँ चाय पिए हैं, खाना खा लो। ऊपर ये सारा देखें, ये शहर नज़र आ रहा है। एक तरफ हाई पॉइंट था माउंटेन्स का, दूसरा ये, और फिर ये सामने उसके ये एक पार्क टाइप जगह बनी हुई है, एंट्री है काफ़ी, यहाँ पे लोग यहाँ पे बैठ रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा का मज़ा ले सकते हैं, ग्रीनरी का। हाँ थोड़ी क्लीनिंग नहीं है वैसे, जैसे होती है ये क्लीनिंग काफ़ी ज़्यादा फोकस होता है इनका क्लीनिंग पे, लेकिन यहाँ पे कुछ खास क्लीनिंग नहीं है, डर्टी है ना जगह, और वैसे भी बारिश हुई है ना, तो उसकी वजह से ये सारा ख़राब लग रहा है, कीचड़ वगैरह से। ये बड़ा खूबसूरत आ रहा है इसमें से। अब हम लोग जा रहे हैं आभा डैम, और ये ऊपर से इसका नज़ारा मिस हो गया है। और ये है आभा डैम, इसके आसपास के जो नज़ारे थे वो बहुत खूबसूरत थे। यहाँ और एक्टिविटी तो कोई नहीं, लेकिन ये कि जो नज़ारे हैं वो देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे थे। यहाँ पे बैठने की जगह है, यहाँ पे आप बैठ भी सकते हैं, अभी चूँकि धूप है लेकिन धूप में भी लोग बैठे हुए हैं, और हाँ मौसम ठंडा है तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर धूप भी है या इस तरह का कोई, बहुत अच्छा है। कि ये अरब लोग बैठे हुए हैं नीचे, वो तो कहीं भी बैठ जाते हैं नीचे। हाय गर्ल्स, हाय गर्ल, खूब एंजॉय कर रहे हो। और अब हम लोग जा रहे हैं केबल कार की तरफ। यहाँ से हम केबल कार की टिकट लेंगे और फिर आगे की तरफ जाएंगे। इसके लिए काफ़ी हमें वेट करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी लोग हैं, और आई थिंक मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम लग जाएगा यहाँ वेट करते करते।
में काफी ज्यादा। गाइस आपको एक मजे का सीन दिखाऊं, मेरे सामने दो बच्चे हैं और एक बच्ची जो है ना ट्राई कर रही है जंप करने की, उसको देखिए वो कैसे ट्राई कर रही है। She is trying to jump. Oh my god, it's the effort. और फिर से try कर रही है वो। और गाइज हम लोग इस वक्त केबल कार में हैं, बारिश भी हो रही है, फॉग भी है थोड़ी थोड़ी सी, और ये देखें सामने रोड कितनी गाड़ी। ये एंट्रेंस रोड है, यहाँ से आते हैं हम। ये भी है ना, After 3 hours. हाँ, 3 घंटे के इंतजार के बाद फाइनली हम लोग केबल कार में बैठे हैं। काफी इंतजार करना पड़ा हमें, तो बस ये एक्सपीरियंस हमारा सही नहीं रहा। यहाँ पे बहुत लोग हैं, बहुत ज्यादा, पूरा सऊदीया पलटा हुआ है। कोरोना का भी। बस ये वो देखो क्लाउड्स ये नीचे से ऐसे होके वो शिफ्ट ऊपर टॉप पे नजर आ रही है, सबसे हाईएस्ट पीक ये नीचे जाएगी। वो देखो वो रूट था जहाँ से हम आए थे, बिल्कुल नीचे देखो वो गाड़ियाँ आ रही है। वो देखो नीचे देखो वो गाड़ियाँ ना जहाँ से आ रही है वहाँ से हम एंटर होके आए थे। जब यहाँ नजर नहीं आ रहा ना ये इसमें कैमरे में ना, ये ये बैक सिटी है वो देखो। हाँ ये बहुत अच्छा लग रहा है, वो देखो सब लाइट्स वगैरह नजर आ रही हैं, बिल्डिंग्स, और वो हाई सिटी है। गाइस वी शुड गेट रेडी टू गेट ऑफ, एक्सक्यूज मी। और इस पॉइंट पे उतारा है हमें केबल कार ने, हाईएस्ट पॉइंट। ये सब क्लाउड्स ही क्लाउड्स हैं, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, सिर्फ बादल हैं। देखिए सारा सिटी व्यू है, ये सारा सिटी नजर आ रहा है यहाँ से, और केबल कार यहीं से गुजर रही है, और पीछे ये सारा सिटी का व्यू है, लाइट्स हैं, इस तरफ बादल हैं। ये सारे बादल, वो वाला ज्यादा फैसिनेट कर रहा है। फुल ऑफ लाइट्स, मैं आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि अगर कोई लोग आभा जाना चाहते हैं तो वो जाने से पहले जब आप अपनी बुकिंग कराएं तो आप अपनी पेमेंट साथ में ऑनलाइन पे कर दें। अगर आप पे नहीं करेंगे तो फिर वहाँ जाके आपकी जो बुकिंग होगी वो कैंसिल हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है जिसकी वजह से जो बुकिंग है वो कैंसिल हो रही है, तो ये मुश्किल आपको हो सकती है। तो अगर आज का व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ गिव मी थम्स अप, और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलें, और एक अच्छा सा कॉमेंट भी कर दें। थैंक यू सो मच।